प्रदेश के बलरामपुर में एक बेटे ने अपनी माँ और पिता को पीट पीट कर मार डाला। मामला कोतावली देहात क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक खेत में पारिवारिक झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े के चलते आरोपी ने अपनी माँ और पिता को इतना पीटा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। माँ बाप को मारने के बाद आरोपी फरार है, जबकि पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। दिल्ली में एयर कस्टम विभाग ने एक अफगानी नागरिक को 82 लाख के सोना के साथ पकड़ा है। जांच के दौरान अफगानी नागरिक के पास से सोने के दो बिस्किट मिले, जिसकी कीमत करीब 82 लाख रुपए है। अब कस्टम विभाग सोने की तस्करी के एंगल से जांच कर रही है और अफगानी नागरिक से पूछताछ कर रही है कि कहीं ये सोने की तस्करी का कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तो नहीं है। झारखंड के कोडरमा में एक महिला की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला का बेटा और हत्या करने वाला आरोपी मित्र थे। दोनों एक ही लड़की से प्रेम करते थे। इसी बात से नाराज आरोपी ने बदला लेने के इरादे से अपने मित्र के बेटे की हत्या की साजिश रची और हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मामला ऋषिकुंड का है। यहां जंगलों में हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने हथियार बनाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जमालपुर एसटीएफ के साथ मिलकर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी तादाद में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं, साथ ही हथियार बनाने वाले सामान भी जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस ने लूटकांड का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के आरोपियों के पास से 1,74,00,000 रुपए की रकम बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 30 और 31 जनवरी की रात उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के कौशाम्बी में जौहरी ने 40,00,000 रुपए लूट की FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने रुपए के साथ लूटा हुआ सोना भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक सोना लेकर ये मुंबई जा रहे थे।